उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिसकी कभी तूती बोलती थी, जिस रास्ते से काफिला निकलता था तो खौफ खाई जनता खुद ब खुद सड़क को खाली कर देती थी। उस माफिया मुख्तार अंसारी का अंत हो गया। इस माफिया के जिगर में इतनी आग थी कि उसने कई निर्दोष परिवारों के चिरागों को बुझा दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए कि आखिर वक्त में वो जिन हाथों से बिना परवाह किए लोगों की जान लेता था वो हाथ निढाल थे। पापों का अंत आखिरकार ऐसा हुआ कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया और माफिया एक झटके में मिट्टी में मिल गया। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में दोषी मुख्तार का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा चौड़ा था। साल 2005 में जेल में बंद होने के बाद से उसे 65 से ज्यादा मामलों में आरोपों का सामना करना पड़ा। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन मार्च 2024 में उसे फर्जी हथियार का लाइसेंस रखने के मामले में उम्र कैद की सजा मिली और यही सजा उसके लिए काल बन गई। जाहिर है मुख्तार ने जो बोया वही काटा। उसकी बोई हुई खूनी फसल का जहर उसके परिवार पर भी असर करेगा। पहले परिवार को देख लें, फिर मुख्तार की विरासत को संभालने वाले मुख्तार जादों की बात करेंगे। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी के तीन बेटे हुए, जिसमें सिबकतुल्ला सबसे बड़ा, उससे छोटा अफजाल अंसारी और सबसे छोटा बेटा हुआ मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की बीवी हुई अफसा अंसारी और इनसे हुए दो बेटे, बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और छोटा बेटा उमर अंसारी। अब्बास की बीवी हुई निखत बानो। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और टशन वैसा ही जैसा मुख्तार अंसारी का। मऊ सदर से विधायक ये हैं मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए अब्बास ने मऊ से 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन फर्जी आर्म्स लाइसेंस के केस में अब ये यूपी की कासगंज जेल में बंद है। इसके साथ साथ यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का भी इस पर आरोप है। इसके अलावा 8 मुकदमे और चल रहे हैं, यानी जेल से रिहाई के रास्ते फिलहाल बंद है। उम्र महज 24 साल, लेकिन दिमाग बड़ा ही तेज। मुख्तार जादों में दूसरे नंबर पर है मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी। बाप माफिया रहा तो बेटा भी उसी राह पर है। पुलिस के निशाने पर चल रहे उमर अंसारी पर अलग अलग मामलों में 6 केस दर्ज हैं। हेट स्पीच मामले में कोर्ट की तरफ से इस पर गैर जमानती वारंट है। कुछ दिन फरार रहा लेकिन फिलहाल जमानत पर है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आओ ताकि हम वो सकते, हम बैठ नहीं पा रहे बाबू और हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है बापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान। मुख्तार की रिवाल्वर वाइफ के नाम से मशहूर अफसा मुख्तार जादू की फहरिस्त का अगला नाम है। मुख्तार की बीवी अफसा कितनी शातिर है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीते एक साल से इसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन माफिया मुख्तार की बेगम हत्ते नहीं चढ़ी। न्यायालय के नोटिस चिपक गए, डुगडुगी तक पीट दी गई, लेकिन मोहतरमा को पकड़ना मुश्किल हो गया। अफसा के खिलाफ गाजीपुर और मऊ में ही नहीं बल्कि लखनऊ तक में 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जमीन की खरीद फरोख और फर्जी तरीके से जमीनों पर कब्जे कर पैसा बनाने वाली मुख्तार जादी के नाम 2 अलग अलग 50,000 और 25,000 यानी कुल 75,000 का इनाम भी है। एक वक्त था जब जेल में मुख्तार के साथ रहा करती थी अफसा, लेकिन बेगम पुलिस से भागती फिरती रही। और इधर बांदा के अस्पताल में मुख्तार हार्ट अटैक से दम तोड़ गए।
माफिया मुख्तार और अफसा की मोहब्बत के किस्से भी बड़े मशहूर रहे। किसी जमाने में क्रिकेटर रहे मुख्तार पर कॉलेज में पढ़ने वाली अफसा फिदा हो गई थी और रोज मुख्तार का खेल देखने स्टेडियम जाया करती थी। इस मोहब्बत ने परवान लिया और 1989 में दोनों ने निकाह कर लिया। पहले प्यार का हिस्सा बनी, फिर माफिया के पाप का हिस्सा। लेकिन पाप का हिसाब किताब यही देना होता है। शायद तभी तो न बड़े बेटे को अंतिम दर्शन नसीब हुए और न ही बीवी को। मुख्तार के गुजर जाने के बाद तो न राह आसान लग रही है और न ही मंजिल। ये है निखत बानो, माफिया मुख्तार की बड़ी बहू और जेल में कैद माफिया मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की बीवी। निखत के बारे में कहा जाता है कि माफिया मुख्तार की सियासत और विरासत को बाहर से यही हैंडल करती है और इसमें उसके साथ होता है छोटा बेटा उमर, यानी सारा काला कारोबार का कच्चा चिट्ठा इनके पास है। मुख्तार की पेशी से लेकर उसे मुकदमे से बाहर निकालने की सारी जुगत ये देवर भाभी ही कर रहे थे, लेकिन अफसोस मुख्तार खुली सांसें नहीं ले पाया। निखत पर एक मामला दर्ज है, मोहतरमा जेल भी गई लेकिन रिहा हो गई। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है।